इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में खेला जाएगा और भारत ने टॉस जीता। डे वन पर भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने ने लिया और रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क वापसी करते हुए मिचेल स्टार्क ने पहला ओवर डाला। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक अच्छा स्टार्ट किया। दोनों ने काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, काफ़ी बाउंड्रीज दिखाई, दोनों ने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए और काफ़ी लक्की भी साबित हुए इंडियन ओपनर्स। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को मौके मिले। रोहित शर्मा दो बार आउट होते होते बच गए और बढ़िया शॉट्स दिखाए उसके बाद, पर स्पिनर का पहला ओवर लेकर आए कूनेमन। ऑस्ट्रेलिया के लिए छठा ओवर और अपना पहला ओवर लेकर आए कूनेमन। कूनेमन ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस बॉल पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे, स्टेप आउट कर और स्टंप आउट हो गए रोहित शर्मा इस बॉल पर और ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली सफलता मिली कूनेमन को। कूनेमन को ये पहली सफलता, रोहित शर्मा बड़ा हिट लगाना चाहते थे और ये देखिए और सीधा बॉल घूम गई और दस्तानों में विकेटकीपर के, और विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की और रोहित शर्मा चलते बने। टीम इंडिया को पहला झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा 12 रन बनाकर आउट हो गए आज। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद चितेश्वर पुजारा क्रीज पर, उसके बाद जल्द ही कूनेमन को दूसरा विकेट भी मिला। शुभमन गिल को आउट किया कूनेमन ने, स्टीवन स्मिथ ने पकड़ा कैच स्लिप में। ये देखे कूनेमन की गेंद जिस पर शुभमन गिल आउट हुए, शुभमन गिल डिफेंस करना चाहते थे और एज लगा और स्टीवन स्मिथ के पास स्लिप में कैच, गिल आउट हुए। शुभमन गिल 21 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने दूसरा विकेट खो दिया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए भारत के सबसे भरोसेमंद प्लेयर विराट कोहली। विराट कोहली क्रीज पर आए और उसके बाद नेथन लाइन को सफलता मिली। नेथन लाइन ने पुजारा को बोल्ड कर दिया, बहुत ही लाजवाब गेंद और एक काफ़ी टर्न हुई है गेंद और पुजारा के पास का कोई जवाब नहीं था। नेथन लाइन ने पुजारा को बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को मिली तीसरी सफलता और भारत को तीसरा झटका लगा बहुत ही जल्दी जल्दी। जितेश्वर पुजारा सिर्फ एक रन बना सके। जितेश्वर पुजारा के बाद रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया गया और उन्हें लेफ्ट हैंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। रविंद्र जडेजा का एक एज लगा और चौका चला गया। विराट कोहली एक छोर पर डटे हुए थे। रविंद्र जडेजा विराट कोहली टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे पर रविंद्र जडेजा एक गलत शॉट खेलवाते और सीधा कैच आउट हो गई। स्टीवन स्मिथ की बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट और रविंद्र जडेजा कैच आउट हुए इस बॉल पर। नेथन लाइन को मिली सफलता, नेथन लाइन के लिए दूसरी सफलता और बात को लगा चौथा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में। रविंद्र जडेजा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए आज, 4 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर, श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। कट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर का एज लगा और बॉल सीधा स्टंप को टकरा गई और श्रेयस अय्यर भी आउट हुए। कूनेमन का शिकार बने श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को विश्वास नहीं हुआ कि वो कैसे आउट हो गए, पर कूनेमन के लिए तीसरी विकेट और भारत काफ़ी मुश्किल में पाँचवा विकेट खो दिया भारत ने। श्रेयस अय्यर 0 रन पर आउट हुए, 0 पर आउट हुए श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के बाद क्रीज पर आए केएस भरत। केएस भरत और विराट कोहली के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई छोटी सी और विराट कोहली ने कुछ अच्छे शॉट दिखाए। विराट कोहली ने बढ़िया नजर आ रहे थे और काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे। विराट कोहली एक छोर को संभाले हुए थे। विराट कोहली ने कुछ अच्छे शॉट दिखाए। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद केएस भरत भी अच्छा खेल रहे थे। केएस भरत ने एक शॉट दिखाया बढ़िया और विराट कोहली एक छोर पर खड़े हुए थे और टीम इंडिया की उम्मीदों को जारी रख रहे थे, पर मर्फी की इस गेंद पर विराट कोहली आउट हुए। मर्फी की इस गेंद पर विराट कोहली को क्लियर LPW आउट किया मर्फी ने। अंपायर ने आउट दिया पर विराट कोहली ने रिव्यू का निर्णय लिया, पर रिव्यू विराट कोहली के पक्ष में नहीं गया। और देखिए ये पिचिंग इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट सीटिंग, और विराट कोहली को अपना विकेट खोना होगा। विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, 22 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली। विराट कोहली के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और केएस भरत के बीच एक छोटी सी साझेदारी हुई पर नेथन लाइन की इस बॉल पर केएस भरत आउट हो गए। अपील हुई पर अंपायर ने नोट आउट दिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बढ़िया रिव्यू, स्टीवन स्मिथ ने बहुत अच्छी कप्तानी की और ऑस्ट्रेलिया को मिला 7वां विकेट इस रिव्यू के चलते। केएस भरत अच्छा खेल रहे थे पर नेथन लाइन का शिकार बने। 17 रन बनाकर केएस भरत आउट हुए और टीम इंडिया को 7वां झटका लगा। पहले सेशन में 26 ओवर हुए, 84 रन बने और 7 विकेट खो दिए।